चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.2। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 और 7। 6 और 7 में करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इज। देखिए एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है, इन दोनों से जो इनक्लोज्ड स्मॉलर एरिया होगा, छोटा वाला एरिया बोल रहा है स्मॉलर एरिया, तो कौन सा स्मॉलर एरिया होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स को लिख लेता हूँ। सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं हम, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 को 2 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0.0 होगा। इसको एक्स स्क्वेयर को एक्स माइनस 0 होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर को वाई माइनस 0 होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, और ये ए स्क्वेयर या आर स्क्वेयर। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0.0 है और रेडियस इसकी 2 है। इसका सेंटर है, सेंटर 0.0 एंड रेडियस आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है, इससे अपना सर्कल तो ड्रा हो जाएगा। अब इस लाइन को देखिए, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए लाइन के इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक्स और वाई। जब दो वेरिएबल अपने को लाइन के इक्वेशन में देखते हैं, अगर सिंगल वेरिएबल रहता है, एक्स इजिकल टू कुछ रहता है या वाई इजिकल टू कुछ रहता है, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लेते। लेकिन यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्कल और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की भी अपने को जरूरत पड़ेगी, तो अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते। लेकिन ये लाइन जरा सी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लाइन दिख रही है, तो हमको यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, हमको यहाँ पर इस लाइन के इक्वेशन और इस सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना सॉल्व करे ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। देखो इस लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों साइड, एक्स को डिवाइड किया तो एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2, और 2 को डिवाइड किया तो 1। अब इस इक्वेशन को देखो, आप इस लाइन को देखो, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये आपकी इस लाइन के जैसी आ गई। कैसी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गई। आ गई, देखो ए के प्लेस पे 2 है और बी के प्लेस पे 2 है और इज इक्वल टू 1 है। मतलब ये जो लाइन होती है, ये लाइन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में। एक्स एक्सिस पे वो ए का इंटरसेप्ट कट कर रही है और वाई एक्सिस पे बी का इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये जो अपने पास में जो लाइन आई है, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, ये एक्स एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट कट कर रही है और वाई एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट कट करी, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जहां पे पॉइंट आएगा, जहां कट करेगी 2 के पास में, वहां पे अपन वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे, तो 1.2.0 आ जाएगा। और ये वाई एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट कट करेगी, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 ले लेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट 0.2 हो जाएंगे। और यहां पे अपना जो सर्कल दिख रहा है उसकी रेडियस 2 है, तो जो सर्कल बनेगा उसमें 2 रहेगा अपने पास में, एक्स एक्सिस पे भी 2 दिखेगा अपने को, वाई एक्सिस पे भी 2 दिखेगा। तो जहां पे 2 दिख रहा वहीं पे 2.0 एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, और जहां पर आपको एक और बार 2 दिखेगा वाई एक्सिस के ऊपर, वहां पे 0.2 ले लेंगे, एक 2.0 एक 0.2। तो इन दोनों एक इस सर्कल के इक्वेशन को और इसके लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में दी हुई है, तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस अपन ने किए जिसमें दो वेरिएबल रहते थे अपने पास में लाइन में और कोई कर्व रहता था, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन ने पहचान ली है कि लाइन जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अब जब अपने को पता चल गया कि इंटरसेप्ट फॉर्म में, आसानी से अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, तो जबरदस्ती का काम करने की जरूरत नहीं है। जब अपने को कोई आइडिया नहीं रहती कि क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उस कंडीशन में अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप ये दोनों के अकॉर्डिंग में फिगर बना देता हूँ। फिर इस सर्कल और इस लाइन से जो इनक्लोज्ड एरिया आएगा उसमें का स्मॉलर एरिया अपन फाइंड आउट कर लेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले। मान लीजिए ये है एक्स, ओ एक्स डैश, और ये है वाई ओ वाई डैश, वाई ओ
वाई डैश। अब देखिए सर्कल जो है उसका सेंटर 0.0 है, ये है 0.0, ओरिजिन तो है ही अपने पास में, इसके कोऑर्डिनेट है 0.0, ओके है 0.0। अब ये सेंटर आ गया और रेडियस इसकी 2 है, तो 2 यूनिट रेडियस लेके एक सर्कल बना लेते हैं। 2 यूनिट रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। मान लीजिए ये सर्कल है, इसकी रेडियस 2 यूनिट है और सेंटर क्या है 0.0। अब यहां तक की रेडियस हो गई, तो ये जो पॉइंट आया इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2.0, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.2, ये वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यहां तक की वाई डिस्टेंस 2 है और एक्स कोऑर्डिनेट 0.0। इधर ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2.0, इधर आ रहे हैं आप नेगेटिव डायरेक्शन, ये रेडियस है 2 और इधर डायरेक्शन में आ रहा है पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रहे, तो -2.0 एक्स एक्सिस पे और ये वाला नीचे वाला वाई एक्सिस पे है, तो 0.-2। ठीक है, ये सर्कल की रेडियस और उसके सेंटर के अकॉर्डिंग अपने चारों पॉइंट ले लिए। अब देखिए ये जो लाइन है अपनी, ये एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन है, तो एक्स एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट कट करेगी और वाई एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट करते हो, तो एक्स एक्सिस पे जब अपन ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसी कोई लाइन अपने ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन रहती है वो एक्स एक्सिस पर इतना इंटरसेप्ट काटती है, ये कहलाता है एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट ए और ये कहलाता है वाई एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट बी। तो ए और बी की वैल्यू अपने पास में, ये ए की वैल्यू 2 है और ये वाली आपकी बी की वैल्यू 2 है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते, कहां से ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देते, तो एक ऐसी लाइन मिल जाएगी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 है ही ऑलरेडी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 2 है, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई। देखो ये लाइन ऐसी ली गई है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट कट कर रही है, देखो यहां से यहां तक 2 का इंटरसेप्ट है, ये एक्स एक्सिस पर कटा इंटरसेप्ट 2 हो गया और ये वाई एक्सिस पर कटा इंटरसेप्ट 2 हो गया, आया समझ में। अब मैं लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिख देता हूं और सर्कल के ऊपर सर्कल का इक्वेशन, लाइन अपनी ये वाली है, ये ब्लैक वाली ये लाइन है, क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये तो मैंने आपको बताने के लिए उसको ऐसा किया था, ओरिजिनल लाइन ये थी, वही इक्वेशन सेकंड। और सर्कल क्या है, सर्कल ये वाला है, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। अब देखो सर्कल भी अपने पास में और लाइन भी है, सर्कल का सेंटर 0.0 है, रेडियस 2 है, लाइन एक्स एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट कट कर रही है, वाई एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए लाइन के और सर्कल के, ऑटोमेटिक आ गए अपने पास, आ गए ना। तो अब इस सर्कल और इस लाइन से इंक्लोज जो स्मॉलर एरिया, देखो इसने दो एरिया निकले अपने, एक एरिया इधर का निकला और एक एरिया इधर का निकला, तो कौन सा एरिया बोल रहा है, वो बोल रहा है स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया इंक्लोज बाय, तो स्मॉलर एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा छोटा वाला, इसको मैं शेड लगा देता हूं, ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन पूरा का पूरा डायग्राम के ऊपर बेस्ड होता है, डायग्राम सही बन गया आपका, सारी इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लाइन को भी इंक्लोज कर रहा है और कर्व को भी, तो एक एरिया इधर का भी था लेकिन उसने स्मॉलर एरिया बोला इसलिए ये वाला, और कभी वो बिगर एरिया बोल देता, बड़ा वाला एरिया बोल देता तो इधर का लेना पड़ता, जैसा बोल रहा वैसा। तो अब इतना एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो इतना एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और इंटीग्रेशन से एरिया अपन कैसे निकालते हैं कि एक स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं और उसमें उसकी लिमिट लगा देते हैं तो पूरा एरिया आ जाता है। तो अब देखो अब यहाँ पे अपने को स्ट्रिप ड्रा करना है, स्ट्रिप ऐसी होना चाहिए कि जो एक्सिस के ऊपर आ जाए, या तो वो एक्स एक्सिस पे आ जाए या वाई एक्स, कभी कभी नहीं आती तो अपन उसको खींच के स्ट्रेच करके वहां तक के टच कराते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर दूं तो अपन इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक ला सकते हैं एक्स एक्सिस तक, है ना, तो मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, छोटी सी एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लो आप, ये वाली स्ट्रिप है। अब देखो अब स्ट्रिप के लिए अपन खींचेंगे यहाँ तक लाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये इसकी विड्थ है डी एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर इसलिए इसकी विड्थ को डी एक्स लेंगे, विड्थ जो है उसकी डी एक्स हो जाएगी। अब लेंथ देखो यहां से यहां तक की पूरी लेंथ को y1 ले लेते, बड़ी वाली लेंथ ये y1 कौन सी हो गई, y1 यहां से लेके यहां तक y1, और y2 ये छोटी वाली यहां से लेके यहां तक की, इसको y2 ले लेते,
मैंने इसको वाई वन लिया, इसको वाई टू लिया, किसी बंदे ने इसको वाई टू ले लिया और इसको वाई वन ले लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वाई टू को यहाँ लेंगे तो फिर बड़ी स्ट्रेच वाली वाई टू आपकी बड़ी होगी और वाई वन आपकी छोटी होगी। यहाँ पे अपना वाई वन ऊपर लिया है तो वाई वन वाली यहाँ तक हो गई एक्सिस से यहाँ तक, और वाई टू यहाँ। अब अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रिप थी वो इतनी बड़ी थी, अब इसकी लेंथ कैसी मिलेगी अपने को, ये पूरे वाई वन में से इतने वाई टू को माइनस कर दो तो वाई वन माइनस वाई टू जो है वो स्ट्रिप की लेंथ आ जाएगी। तो वाई वन माइनस वाई टू इंटू डी एक्स कर देंगे तो ये जो स्ट्रिप यहाँ पे बनी है इसका एरिया आ जाएगा, लेकिन अपने को तो ये पूरा एरिया चाहिए तो इसके लिए अपन लिमिट लगा दें। अब देखो यहाँ डी एक्स है तो यहाँ पे और यहाँ पे यही कर्व है आपका, ये कर्व भी और ये लाइन भी है, तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू ढूंढ लो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है, तो 0,2 ले ले, छोटी छोटी लिमिट को नीचे लगा देते हैं बड़ी लिमिट को ऊपर लगा देते हैं, 0,2 एक्स की दो वैल्यूज ले लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा अपना, लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक स्ट्रिप का एरिया वाई वन माइनस वाई टू होगा, वाई वन माइनस वाई टू, ये तो लेंथ हो गई आपकी स्ट्रिप की, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये कैसी निकली, यहाँ से यहाँ तक y1 लिए उसमें से ये वाली y2 वाली लेंथ को माइनस करते हैं, y1 माइनस y2 और इसकी विड्थ कितनी है dx इंटू dx, ये आपकी इस स्ट्रिप का एरिया हो गया। अपने को इतना पूरा एरिया चाहिए जिसको मैंने डॉटेड से किया है, इसके लिए यहाँ पे dx लिखा है तो x की दो वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है तो 0 2 2 ले, ये ले लो लोअर लिमिट को 0 और अपर लिमिट को 2, बस ये एरिया है। अब y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पे रखना, तो y1 किस पे टच हो रहा है, देखो y1 आपका सर्कल के ऊपर टच हो रहा है, तो यहाँ से अपन y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे y1 स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे 4 माइनस x स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर, y1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। y2 जो है y2 आपकी लाइन के ऊपर टच हो रही है, तो इस लाइन के इक्वेशन से y2 यहाँ y2 रखेंगे, y2 x plus y2 is equal to 2, तो y2 is equal to x को शिफ्ट कर देंगे 2 माइनस, ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2, y1 की वैल्यू यहां से लिख लो भाई, देखो ये y1 स्क्वायर होगा, इसको सेफ्ट करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, y1 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, होगी भाई, यहां से निकालना है आपको y1 की वैल्यू अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y2 की वैल्यू, y2 आपका यहाँ टच हो रहा है लाइन के ऊपर, यहां से निकालो y2 2 माइनस एक्स और ये dx, y1 y2 की वैल्यू रख दिया आपने आराम से, आप इसको सॉल्व करना, मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ और वहां सॉल्व करते हैं, ये अपना एक एक वो चल रहा है, चलिए देखिए ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं और 2 माइनस एक्स का अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 और ये 2 माइनस एक्स डी एक्स, अलग अलग करती है उसको। अब देखो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 8 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाले फॉर्मूले से, इसको बोल देते हैं ए के प्लेस पे 2 और एक्स के प्लेस पे, और इनका दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं वाला, सेंस इंटीग्रेशन अंडर रूट 8 नंबर का फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स is equal to 1/2 x into under root a square minus x square plus 1/2 a square sin inverse x upon a or plus c, अपने को प्लस सी की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन फॉर्मूला अपने को सी में आ रहे तो सी लिख देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल है ये, अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं a के प्लेस पे 2 और x के प्लेस पे x, therefore a is equal to लिमिट लगाने के लिए ब्रैकेट बना देता हूं 1/2 x into under root a square minus x square a के प्लेस पे 2 square a square के प्लेस पे 2 square तो 4 minus x square plus 1/2 into a square करेंगे तो 2 square 4 sin inverse x के प्लेस पे x और a के प्लेस पे 2 है, c लगाने की जरूरत नहीं है अपने को, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट लगा दो 0 to 2 और इसका इंटीग्रेशन लिखना है, माइनस
2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी भी लिमिट लगा दो 0 से 2। आराम से करना भाई, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से ये 1 अपॉन 2 कॉमन आ जाता है ना, 1 अपॉन 2 को कॉमन निकाल देता हूँ मैं, ये फॉर्मेट में आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन 2 बाहर कर दिया मैंने, ये एक्स इंटू अंडर रूट 1/2, बाहर भी निकाल लेते हैं। और अच्छा एक स्टेप लिख दो, यहाँ बच गया एक्स इंटू अंडर रूट 4 माइनस x² + 1/2 कॉमन निकाल लिया अपन ने, 4 sin inverse x/2, और ये लिमिट 0 to 2 माइनस, इसमें वैल्यू रख देते हैं, एक बार x के प्लेस पे 2 रखो और एक बार 0 रख के माइनस करो। तो 2 रखेंगे तो 2 into 2 - 2² 4/2 माइनस, अब 0 रख दो, 2 into 0 - 0² 0/2, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये और सॉल्व करो, ये 1/2 बाहर है। अब यहां पर x के प्लेस पे 2 रखते हैं और x के प्लेस 0 रख के माइनस करें करो, तो x के प्लेस पे 2 रख रहे हैं, 2 into अंडर रूट ये 4 - x² करेंगे, 2² करेंगे तो 4 + 4 sin inverse x के प्लेस पे 2/2 है, ये पहला हो गया। माइनस 0 रखेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा, रख देते हैं, ये 0 into अंडर रूट 4 - 0² 0 + 4 sin inverse 0/2 0 हो जाएगा, वो आपका पहला वाला हो गया। माइनस 2 into 2 4 - ये 4 को 2 से कैंसिल कर लो, 2 टाइम माइनस 2 माइनस 2, और ये वाला तो आपका पूरा 0 हो गया। हो गया 0 ऐसा लगा दो, और ये -0। अब सॉल्व करते हैं इसके, चलो इसको सॉल्व कर लो। विच इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर है, यहाँ देखना ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। इसको छोड़ो, ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो 1 टाइम, ये क्या हो गया आपका, यहाँ तो 0 हो गया, ये 4, और ये साइन इनवर्स 1 एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अपने को एक एंगल दे देगा, साइन इनवर्स 1 को π/2 लिख सकते, (π/2) माइनस, ये 0 है सामने, इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 4 है और ये साइन इनवर्स 0, ये 0 दे देगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस ये 4 - 2 करेंगे तो 2, और सामने माइनस है तो -2 लिख दो बस, और सॉल्व कर, इसका इंटू करेंगे तो 1/2, और ये 2 से कैंसिल कर लो इसको, 2 टाइम (π), और ये -2, ये 2 से 2 को भी कैंसिल कर लो, तो विच इज इक्वल टू π - 2 बस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। देखिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना, बड़ा क्वेश्चन है तो सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 8.2 का 6, बी ऑप्शन। एक आखिरी क्वेश्चन देख लो इसका, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन, आप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, एरिया लाइंग बिटवीन कर्व्स y² = 4x एंड y = 2x। देखिए इसको कर्व्स बोल रहा है, ये y² = 4x तो कर्व है, y = 2x ये लाइन है, एक कर्व और एक लाइन के बीच का एरिया अपन निकालेंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2/3 1/3 1/4 3/4, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले कर्व को लिखता हूं मैं, y² = 4x, देखो एक वेरिएबल का आपको स्क्वायर दिख रहा, और एक वेरिएबल आपको बिना स्क्वायर वाला दिख रहा, इसको अपन क्या कहते हैं कि ये पैराबोला है। y² = 4x दिख रहा, यहाँ x पॉजिटिव दिख रहा आपको, तो ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस पे बना और x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है, जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है उसको क्या कहते हैं, राइट वर्ड पैराबोला कहते थे, ये राइट वर्ड पैराबोला। इसको एक इक्वेशन दे दो,
यह है राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला, आप राइट हैंडेड पैराबोला भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगा एंड वाई इज इक्वल टू टू एक्स, वाई इज इक्वल टू टू एक्स को इक्वेशन सेकंड दे दो। देखो ये एक लाइन का इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल एक्स भी और एक वाई दोनों वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल रहते हैं तो हमको इस कर्व और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये y इक्वल टू 2x को ध्यान से देखो, ये 0 0 से पास हो रही है क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई करिए। लाइन को अपन जब ड्रा करेंगे तो इसको ओरिजिन से पास करा देंगे, लेकिन अपन अभी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। ये है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो लाइन है दो वेरिएबल में जरूर है लेकिन ये ओरिजिन से पास हो क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स और वाई के प्लस 0 0 रखो तो 0 इज इक्वल टू 0। अब लाइन के इक्वेशन में दोनों वेरिएबल हैं तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालें। फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखो अपन कैसा सॉल्व करें। तो ये y की वैल्यू 2x देख रही, इसको मैं यहां रख देता हूं y स्क्वायर में, है ना, फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर लेते तो x में इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगी, उन x की वैल्यूज को यहां रख देंगे, सेकंड इक्वेशन छोटा दिख रहा तो y की वैल्यूज आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रखो, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से वैल्यू रख दो तो y स्क्वायर है, तो ये 2x रख दिया, y की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 4x, सकते हैं ऐसा। देखो y के प्लस पर 2x यहां रख दिया तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको सॉल्व करो 4x स्क्वायर और ये इज इक्वल टू 4x, तो आप 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, x को कैंसिल नहीं करना है, 4 से 4 को कैंसिल कर दिया। अब ये x को इधर शिफ्ट करेंगे व्हिच इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर आपने एक x से एक x को भी कैंसिल कर दिए, कैंसिल तो हो जाएगा, वन बचेगा लेकिन एक एक्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी, एक रूट किल हो जाएगा, तो आपको किलिंग ऑफ रूट्स नहीं करना है, इसलिए मैंने एक्स को शिफ्ट किया है, कैंसिल नहीं किया। अब यहां से आप एक्स कॉमन निकालो, विच इंप्लाइज एक्स कॉमन निकालें, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक तो जीरो आ जाएगा, है ना, और एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा, आएंगी दो वैल्यू, एक्स को जीरो रख दिया और एक्स माइनस वन को जीरो रखें, वन को सेट करें तो एक्स इजिकल, तो देखो एक्स की दो वैल्यू आ गई, जब एक्स की दो वैल्यू आ गई तो इसके अकॉर्डिंग अपनी वाई की भी दो वैल्यू, जब इन दोनों वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में रख दो आप, तो सेकंड इक्वेशन छोटा दिख रहा है मैं इसमें रख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, किसी में भी रख सकते हैं आप, तो वाई इजिकल टू टू और एक्स की वैल्यू जीरो रखा, ये जीरो आ गया, एंड वाई इजिकल टू टू इंटू एक्स की वैल्यू वन रखा, इंटरसेक्शन आर क्या क्या, एक तो 0,0 एंड 1,2। देखो x की वैल्यू 1 रखे तो y की 2 है, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसके किसके, इस पैराबोला के और इस लाइन के, और ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। अब इसका स्केच बना देते हैं और दोनों के बीच का एरिया निकाल देंगे। चलिए एक पैराबोला बनाएंगे, राइट वर्ड पैराबोला, चलिए देखिए x o x डैश और ये y o y डैश, राइट वर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, बनाता हूँ। देखिए मान लीजिए करीब करीब ऐसा पैराबोला आपको है, इसका इक्वेशन लिख देते हैं हम, क्या इक्वेशन है इसका, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, ये इक्वेशन लिख दिया मैंने पैराबोला। अब जो लाइन है वाई इजिकल टू 2x, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन से पास करा देंगे, ओरिजिन आपका 0,0 है, ठीक,
अब लाइन का और सर्कल का, इसका कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या है? एक है 0,0 और एक 1,2। तो 0,0 तो यही आ गया, और 1,2 देखो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए 1 यहाँ तक चले गए, यहाँ तक चले जाओ 1, और वाई एक्सिस पे 2 यहाँ तक चले जाओ, ये यहाँ पे करीब करीब एक पॉइंट ले लो। एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया 0,0, और एक पॉइंट यहाँ ले लो। ये दो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2 है ये, 1,2 देखो अंदाज से ये 1 आ गया और ये 2 आ गए, बस इसके चीज उधर चलता है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो देखो ओरिजिन से भी पास होगी लाइन और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ जाएंगे, दोनों को ज्वाइन कर दो, जान दो ऐसी लाइन को, इधर भी आन दो, देखो ऐसी लाइन आगे लाइन। इस लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूं, क्या है लाइन का इक्वेशन? y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ये लाइन। अब देख लो आप डायग्राम समझ में आ रहा, देखो ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही, वही ओरिजिन से पास, और अपना इंटरसेक्शन पॉइंट पे ओरिजिन आया, और ऐसा बढ़ा के अपन ने x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस थोड़ा बहुत कम ज्यादा दिख रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा पैराबोला और लाइन का ये बीच का जो एरिया है वो ये वाला दिख रहा है, दिख रहा छोटा एरिया, बस ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से वो कर देता हूँ, इससे अपने को पता रहता है कि ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, ये एरिया है। ठीक है, समझ आया सबको एरिया? अब देखिए एरिया अपन इंटीग्रेशन के थ्रू जब निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, स्ट्रिप बनाते हैं, एक स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं और उसमें उसकी लिमिट लगा देते तो पूरा एरिया आ जाता। तो आप स्ट्रिप कैसी बनाए अपन? अब ये ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप बना देते हैं, उसको स्ट्रेच कर देंगे एक्स एक्सिस तक ऐसा। ठीक है, एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लेता हूं मैं, छोटी सी बनेगी, मान लीजिए ये एक स्ट्रिप है, एक वर्टिकल स्ट्रिप बना दिया मैंने। ठीक है, इसको अपन स्ट्रेच करेंगे यहां तक, तो ये dx आ जाएगी इसकी विड्थ, तो यहां ले लो dx, ये विड्थ इसकी dx है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको y1 ले लो, ये y1 अपन इसको खींचेंगे यहां तक लाएंगे तो y1, और यहां तक आ रही है, यहां तक की लेंथ को y2 ले लो, ये y2। अब अपनी जो स्ट्रिप है वो केवल इतनी बड़ी है, तो ये लेंथ कैसे आ जाएगी? ये y1 में से आप इतनी लेंथ में से आप इतनी लेंथ माइनस करते, तो y1 माइनस y2 कर देंगे तो इस स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप की लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी y1 माइनस y2, और इसकी विड्थ dx रहेगी क्योंकि x एक्सिस पे स्ट्रेच कर रहे हैं इसको अपन, तो y1 माइनस y2 इनटू dx करेंगे तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। अपने केवल इतना एरिया नहीं चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, तो इसके लिए यहां से यहां तक में यहां dx लिखा हुआ था, x की दो वैल्यू देख लो लिमिट, यहां पे x की वैल्यू 0 है और यहां पे x की वैल्यू 1, तो 0 टू 1 इसकी अपन लिमिट ले लेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं लेता हूं एरिया। Therefore, required area A is equal to integration y1 minus y2। देखो स्ट्रिप की जो लेंथ है वो y1 minus y2, क्योंकि स्ट्रिप इतनी बड़ी है, इतना y1 और इतना y2 उसमें से माइनस कर देंगे तो ये y1 minus y2 इसकी लेंथ आ गई, इसमें इसकी विड्थ dx का इंटू कर दो, ये y1 minus y2 into dx, ये एक स्ट्रिप का एरिया हो गया, हमको इतना पूरा एरिया चाहिए। अब यहाँ dx है तो x की दो वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू 1, ये 0 टू 1, बस ये है आपका ये वाला लाइन और इस पैराबोला के बीच का एरिया, बस इसको सॉल्व कर दो। y1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? देखो y1 कहाँ पे टच हो रहा है, y1 आपका इस पैराबोला पर टच हो रहा है, तो यहाँ पे पैराबोला के इक्वेशन में y के प्लस y1 रखे तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, y1 की वैल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया, यहाँ से आपका अंडर ये आ गई y1 की वैल्यू माइनस y2, y2 देखो कहाँ टच हो रहा है, y2 आपका इस लाइन पे टच हो रहा है, यहाँ y2 रखो, लाइन के इक्वेशन y2 इज इक्वल टू 2x, ये 2x और ये 2x आराम से रख दे, जहां पे अपन ने टच कराया है उसको y1 y2 को उसी के इक्वेशन में रख के आपको y1 y2 की वैल्यू, बस y के प्लेस पे y1 y के प्लेस पे y2 रख के वैल्यू निकालो। सीधा अपन सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं अपन, और ये अंडर रूट x, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 टू रूट एक्स हो गया और ये माइनस टू एक्स डी एक्स, यहाँ से टू कॉमन निकाल लेते तो और अच्छा आ जाएगा, टू कॉमन निकल जाता सब में से, विच इज इक्वल टू टू को बाहर कर दिए, ये जीरो टू वन, ये अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर वन अपॉन टू लिख सकते हैं, माइनस एक्स और ये डी एक्स, बस
अब ये दोनों का इंटीग्रेशन आपके पास में एक्स की पावर वन अपॉन टू में एक पावर ऐड करो, टोटल पावर से डिवाइड करो, एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इधर सॉल्व करते हैं, ए के इक्वल चल रहा है, ए इज इक्वल टू टू सामने आ गया अपना, ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स की पावर वन अपॉन टू का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस करेंगे वन अपॉन टू प्लस वन थ्री अपॉन टू हो जाएगा, और टोटल पावर से डिवाइड कर दो थ्री अपॉन टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये लिमिट लगा दो जीरो टू वन। ये थ्री अपॉन टू डबल फ्रैक्शन में है तो टू अपॉन थ्री कर लेते हैं इसको, विच इज इक्वल टू, ये टू बाहर है, ये टू अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये लिमिट जीरो टू वन। एक्स के प्लेस पे वन रख देते हैं और एक्स के प्लेस पे जीरो रख के माइनस कर लेते हैं, और किसी ने कर भी दिया एंटू तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विच इज इक्वल टू टू को बाहर ही रहते हैं, बाद में कैंसिल हो जाएगा। रखो एक्स के प्लेस पे वन रख दो तो ये टू अपॉन थ्री इंटू वन की पावर थ्री अपॉन टू माइनस वन स्क्वायर वन अपॉन टू, ये हो गया आपका पहला वाला माइनस, अब जीरो रख के माइनस कर दो, टू अपॉन थ्री इंटू जीरो की पावर कुछ भी करेंगे तो जीरो माइनस जीरो स्क्वायर जीरो अपॉन टू, टू लिखा है, चलो इसको सॉल्व कर लो, ये टू है, ये टू अपॉन थ्री और वन की पावर कुछ भी करेंगे तो वन ही होगा, वन इंटू टू अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री होगा माइनस वन अपॉन टू, और ये जीरो का इंटू करेंगे इसमें तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो छोड़ दो इसको पूरे जीरो माइनस जीरो। इसको सॉल्व कर लो, ये टू बाहर है, यहाँ थ्री और टू का एलसीएम सिक्स, थ्री से डिवाइड करें टू टाइम, टू का इंटू करेंगे टू टू जा फोर, टू से डिवाइड करें थ्री टाइम, थ्री का वन में इंटू करेंगे तो माइनस थ्री, ये टू से थ्री टाइम कैंसिल हो गया, फोर माइनस थ्री करेंगे तो वन, विच इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, बस यही आ गया आपका वन अपॉन थ्री। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वन अपॉन थ्री लिखते हैं यहां पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे भी ऑप्शन बी करेक्ट, तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज इज डन, ये एक्सरसाइज डन हो गई है।